हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ मैंने मैथ्स की सीरीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है, वो भी जिसमें हमने कंटेंट वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर हमने नंबर सिस्टम लिया है, जिसमें हमने अपनी 6 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 7 और इसमें दोस्तों हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। यह सीरीज दोस्तों सभी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। आज की वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम को हम क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों, शेषफल प्रमेय से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शेषफल होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 16 डिवाइड बाय 3, अगर हम 16 को 3 से डिवाइड करते हैं, 16 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 5 जा हमारे पास 15 आएगा। तो यहाँ जो बचेगा वो क्या है? शेषफल। इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल, रिमाइंडर बोलते हैं इसको। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? भाजक। इसको हम बोलते हैं भाज्य। ये हमारे पास होता है शेषफल, और दोस्तों ये हमारे पास होता है भागफल। ये सभी चीजें आपने 10th क्लास तक पढ़ रखी हैं, तो आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए क्या क्या है हमारे पास। अगर 16 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास भाजक होता है, ये शेषफल बचता है, ये भाज्य होता है और ये भागफल होता है। इसको हम दोस्तों डिवाइजर कहते हैं, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ये हमारे पास डिविडेंड होता है, और ये हमारे पास कोशेंट होता है। ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम 16 को कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। 16 हमारे पास क्या है? भाज्य। भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। यहां से हमें क्या मिला? भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो ये दोस्तों हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास भाज्य है वो किसके इक्वल होता है? भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों शेषफल क्या होता है? जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमें बेसिक बातें याद होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास शेषफल है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। अब दोस्तों अगर हम बिना डिवाइड करे इसका शेषफल निकालें तो कैसे निकलेगा? अब हम दोस्तों आपको ट्रिक बताएंगे कि बड़े से बड़े नंबर की अगर आप शेषफल निकालना चाहते हो बिना डिवाइड करे तो आप शेषफल कैसे निकालोगे। इसमें दोस्तों सबसे पहले है, जैसे देखो यहाँ 16 बाई 3 है, 3 5 जा 15 शेषफल क्या आएगा? 1। 3 5 जा 15 शेषफल क्या बचेगा? 1। अगर मैं इसको लिखू 3 6 जा 18 तो शेषफल क्या बचेगा? माइनस का 2। मैंने क्या कहा था कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ट्रिक वाले वीडियो में, ट्रिक वाले फॉर्मूले में जो हमारे पास ट्रिक है उसमें शेषफल नेगेटिव भी हो सकता है, फिर हम उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। देखो यहां से जो हमारे पास शेषफल है 1 बाई 3, यहां से -2 बाई 3, ये हमारे पास होता है, जो ये शेषफल होता है ये भाजक होता है, ये शेषफल होता है ये भाजक होता है। यहां से दोस्तों देखो भाजक से छोटा है शेषफल, पॉजिटिव भी है, तो यहां हमारे पास जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? 1 आएगा।
अब यहां से देखो, जो हमारे पास माइनस टू है वो थ्री से छोटा है, बट वो क्या है, माइनस टू है, नेगेटिव का है, तो थ्री माइनस टू कर देंगे तो यहां से भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, वन। ये तरीका अपनाया है दोस्तों हमें सॉल्व करते समय, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कंपेटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उनको हम डिवाइड करके देखेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा या फिर पॉसिबल ही नहीं है डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर निकाला जाता है। अब मैं इसके आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखो हमारे पास ये जो हमारे पास ट्रिक है रिमाइंडर थ्योरम के लिए, रिमाइंडर निकालने की जो ट्रिक है, जो शेषफल निकालने की ट्रिक है हमारे पास, वो सिर्फ थ्री ट्रिक्स है, उनके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इन ट्रिकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है हमारे पास 17/6। अब देखो दोस्तों, 6 3 = 18 होता है और 6 2 = 12 होता है। अगर 6 2 = 12 करें तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आएगा, वो भी प्लस का 5। अगर 6 3 = 18 करें तो रिमाइंडर हमारे पास माइनस का 1 आएगा। 6 2 = 12 करें दोस्तों तो रिमाइंडर प्लस का 5 आएगा, 6 3 = 18 करें तो रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। अब इसको लिखेंगे माइनस का 1 और यहां से 5 6। यहाँ देखो दोस्तों, जो 5 है वो 6 से छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 5। अब यहां से देखो, जो हमारे पास -1 है वो 6 से छोटा तो है बट वो नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, 6 - 1 = 5, तो यहां से भी रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 5। तो दोस्तों ऐसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 37/10। दोस्तों इसमें मैंने यूनिट डिजिट निकाला था, तब बताया था आपको कि किसी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो इसका इकाई का अंक होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो ही हमारी यूनिट डिजिट होगी। अगर किसी नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हमारी इकाई और दहाई के अंक होंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास जो इकाई का अंक होगा वो डायरेक्ट ही हम बता सकते हैं क्या होगा, वो 7 होगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 7। अब दोस्तों निकालते हैं रिमाइंडर, 10 3 = 30 करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 7 आएगा प्लस का। अगर हम 10 4 = 40 करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 और 7/10। अब ये रिमाइंडर है जो हमारे पास ये 10 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, तो यहां से रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 7। ये 10 से छोटा है मगर ये नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, 10 - 3 = 7। तो दोस्तों हमारे पास रिमाइंडर दोनों ही पोजीशन में क्या आता है, 7। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हम इजी से थोड़ा मुश्किल लेवल की तरफ जाएंगे जिससे आपको रिमाइंडर थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे पास है 49 × 65/9। इस क्वेश्चन से आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम 49 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 5 = हमारे पास 45, तो रिमाइंडर बचेगा जो वो प्लस का 4 बचेगा। 9 6 = 54 करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 9 6 = 54 और 54 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 5 माइनस का एक रिमाइंडर। दोस्तों हमारे पास 9 6 = 54 करते हैं तो रिमाइंडर माइनस का 5 आता है, 9 5 = 45 करते हैं तो रिमाइंडर प्लस का 5 होता है। ऐसे ही यहाँ से 9 7 = 63 करते हैं तो रिमाइंडर प्लस का 2 आता है और 9 7 = 63 करते हैं तो रिमाइंडर प्लस का 2 आता है। 9 7 के बाद 9 8 = 72 करेंगे, 9 8 = 72 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 7 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है दोस्तों, 9 7 + 63 किया तो पॉजिटिव 2 आया, 9
8 से 72 करेंगे तो रिमाइंडर माइनस का 7 आएगा। अब दोस्तों इनको लेकर मैं आपको ये बताती हूँ कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। अगर हम दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, यहां से -5 लिया और यहां से -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 = 35 / 9, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 9 4 = 36 होते हैं, 9 3 = 27, तो रिमाइंडर हमारे पास 8 बचेगा। अगर 35 को हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो 9 3 = 27 आएगा हमारे पास, तो यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा, 8। ऐसे ही दोस्तों सेकंड सिचुएशन लेते हैं हम, रिमाइंडर क्या आया, 8। दोनों प्लस के देते हैं, +4 है हमारे पास, +2 है, डिवाइड में 9, 4 2 जा हमारे पास 8 हो जाएगा। जो हमारे पास सेसफुल है वो 9 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 8। ठीक है दोस्तों, अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते हैं, -5 +2, 5 2 जा हमारे पास 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और डिवाइड बाय 9। अब दोस्तों 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 और डिवाइड बाय 9, 1 9 से छोटा है बट नेगेटिव है तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 8 क्या आएगा, रिमाइंडर। अब हम एक प्लस और एक माइनस लेते हैं, प्लस का 4 है हमारे पास और माइनस का 7 है, 4 7 = 28, माइनस का आएगा डिवाइड बाय 9, 9 3 = 27, -1/9, माइनस का है तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 - 1 = 8, रिमाइंडर क्या आएगा, 8। तो दोस्तों हमने क्या किया, अगर दोनों प्लस प्लस के लिए तब भी 8 आया, एक प्लस का एक माइनस का लिया तब भी 8 आया, दोनों माइनस के लिए तब भी 8 आया, तो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 8। तो हम किसी भी प्रोसीजर से निकाल ले रिमाइंडर सेम आएगा, प्लस वाले से भी माइनस वाले से भी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्या है हमारे पास, 1753 मल्टीप्लाई 1749 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 171 डिवाइड में हमारे पास है 17। अगर हम दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे तो ये बहुत ही लेंथी सम हो जाएगा, तो अब हम इसको ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। कैसे करेंगे, इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 17 1 = 17 और फिर 17 3 = 51, तो हमारे पास रिमाइंडर प्लस का 2 आएगा, क्योंकि 53 में से 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 17 से 17 1 = 17, 17 3 = 51, 51 49 से 2 ज्यादा है तो रिमाइंडर हमारे पास माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ हमारे पास 17 5 = 85, 85 से 2 ज्यादा है तो रिमाइंडर माइनस का 2 आएगा। यहाँ 17 1 = 17 तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई है तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 1 = 8, और प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा। अब दोस्तों यहाँ 8 है जो इससे स्मॉल भी है ये और ये पॉजिटिव भी है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 8। तो 8 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों ट्रिक के द्वारा हम इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial 5 factorial और प्लस हमारे पास है 1000 factorial और डिवाइड में हमारे पास है 8। क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर। अब देखो दोस्तों फैक्टोरियल सॉल्व करना मैंने आपको पहले सिखाया है, 1 factorial किसके इक्वल होता है 1 के,
टू फैक्टोरियल हमारे पास टू मल्टीप्लाई वन तो टू के इक्वल, थ्री फैक्टोरियल हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, थ्री टू जा सिक्स आएगा, फोर फैक्टोरियल हमारे पास फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन ट्वेंटी हो जाएगा, सिक्स फैक्टोरियल इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन इक्वल टू 720 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये चलता जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, वन फैक्टोरियल वन आएगा, टू फैक्टोरियल टू आएगा, थ्री फैक्टोरियल सिक्स आएगा, इसके बाद फोर फैक्टोरियल ट्वेंटी फोर आएगा, इसके बाद फाइव फैक्टोरियल वन ट्वेंटी आएगा, और प्लस अप टू सो ऐसे ये चलता जाएगा। लास्ट में हम लिखेंगे फैक्टोरियल किसका, वन थाउजेंड फैक्टोरियल का। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम वन से एट से वन को डिवाइड करते हैं, वन को एट से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो वन है वो स्मॉल है, पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, वन आएगा। यहां से रिमाइंडर हमारे पास प्लस का वन ही आएगा। अब दोस्तों टू भी हमारे पास स्मॉल है, पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का टू आएगा। सिक्स भी हमारे पास पॉजिटिव है, स्मॉल है, तो रिमाइंडर सिक्स आएगा। अब दोस्तों ट्वेंटी फोर को एट से डिवाइड करते हैं, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। देखो दोस्तों हमारे पास जो फोर फैक्टोरियल है उसमें क्या होता है, फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, हमारे पास ट्वेंटी फोर बन जाता है। फोर टू जा एट का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ये ट्वेंटी फोर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हम फाइव फैक्टोरियल में देखें, तो हमारे पास जो फोर टू का कॉम्बिनेशन है वो इसमें भी बन रहा है, तो ये भी एट से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास जो सिक्स फैक्टोरियल है उसमें भी जो हमारे पास फोर और टू का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारे पास 24 के जितने भी यहाँ टर्म आएंगी वो सभी ही एट से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी, तो इन सभी का रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो इन सभी का रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, जीरो बचेगा। अब देखते हैं यहां से हमारे पास वन और यहाँ प्लस है, तो प्लस लगाएंगे, टू प्लस सिक्स, सिक्स और टू और वन और डिवाइड में एट, यहां हमारे पास नाइन बाई एट, नाइन को एट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वन। वन हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर आया, शेषफल आया। तो वन हमारे पास क्या आया दोस्तों, रिमाइंडर आया। कैसे किया दोस्तों, फैक्टोरियल को सोल्व किया, फिर रिमाइंडर चेक किए, ये सभी रिमाइंडर है जो वो जीरो बन रहे हैं, तो यहां से इनको लेंगे और आंसर निकाल देंगे। अब दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट सम में, जिसको आपने सॉल्व करना है ट्रिक के साथ। देखो क्या है हमारे पास सम है, जो वो क्या है, 64 की पावर 30 और डिवाइड में 31। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इस टाइप के सम में हम क्या करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या है ट्रिक, एन कोई नंबर है उसके डिवाइड में कोई प्राइम नंबर है, एन कोई नंबर है उसके डिवाइड में कोई प्राइम नंबर है और उसकी पावर में प्राइम नंबर से एक कम है, तो रिमाइंडर हमारे पास हमेशा क्या बचेगा, वन बचेगा। क्या है दोस्तों, एन कोई नंबर है उसके डिवाइड में एक प्राइम नंबर है, उसके पावर में प्राइम नंबर का एक कम है, तो रिमाइंडर हमेशा वन बचेगा। और जो एन और पी है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, को प्राइम। एन और पी है जो वो हमारे पास क्या होने चाहिए, को प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, जिसके केवल टू फैक्टर होते हैं, जो या तो अपनी टेबल में जाता है या वन की टेबल में जाता है। जैसे हमारे पास 31 है, 31 या तो 1 से डिवाइड होगा या 31 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 31 के केवल टू ही फैक्टर हैं, एक तो वो खुद है और एक 1 है। और दोस्तों को प्राइम जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ 1 आता हो, 31 और 64
किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं। तो ये दोनों एक सिर्फ वन से डिवाइड हो तो इनको क्या बोलेंगे, कोप्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो दोनों ही किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, सिर्फ वन से होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है, वो कोप्राइम नंबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास 64 और 31 है जो वो कोप्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी भी एक ही टेबल में दोनों नहीं आते। 31 है जो हमारे पास वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। 31 किसी की टेबल में नहीं आता, और ये 31-1 30 है, p-1 है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसको दोस्तों क्लियरली मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसे। जैसे अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं 2, और इसकी पावर में है हमारे पास डिवाइड में 3 है, और पावर में क्या आएगा हमारे पास, 3-1 2। 2 और 3 हमारे पास कोप्राइम नंबर है, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 1 क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर। अगर हम 2 की पावर 3 ले लेते हैं, 2 की जगह अगर हम कोई और पावर लेते, जैसे हमारे पास क्या है, 2 की जगह अगर हम 4 ले लेते हैं, यहां हमारे पास 5 है, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, और 4 4 जा 16, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 5 4 जा 256, और डिवाइड बाय 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो दोस्तों हम कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे किसी भी एग्जांपल के थ्रू आप ये दिखा सकते हो। ये मैंने एक स्मॉल एग्जांपल लिया है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ कोई भी एग्जांपल लो। जैसे हमारे पास 7/3 है, इसके द्वारा चेक करेंगे यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 2। 7 और 3 को प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर में से 1 कम है, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारे पास, 1। कैसे आएगा, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 3, और 49 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 3 6 18, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो इसको आप किसी भी नंबर पर अप्लाई करके देख सकते हो। अगर हमारे पास ये एन कोई नंबर है, एन और पी को प्राइम नंबर है, और पी प्राइम नंबर है, और पी का एक कम यहाँ है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1। तो इस बात को आपने याद रखना है, ये हमारे पास ट्रिक नंबर 1 है। अगर हमारे पास कोई नंबर है, नीचे प्राइम नंबर है, और यहाँ प्राइम नंबर से एक कम है, और एन और पी को प्राइम नंबर है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ये हमारे पास ट्रिक नंबर 1 है, 3/5 की पावर 2/1। अब देखो दोस्तों, 3 और 5 हमारे पास को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है। 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 और 5 की टेबल में ही आता है, इसके 2 ही फैक्टर हैं। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ट्रिक के अनुसार यहाँ p और यहाँ p-1 क्या भी ट्रिक, हमारे पास n की पावर p-1 और डिवाइड में n, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1। n और p को प्राइम होने चाहिए, p प्राइम नंबर होना चाहिए। अब दोस्तों n और p को प्राइम है, p प्राइम है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, 4। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 5 जा 20, और यहां से 3 की पावर 1, क्योंकि दोस्तों सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है, और ऐसे पावर में हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां से हमारे पास 3 की पावर 4 की पावर 5 और 3 की 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 4 जा 20 और 1 21। अब इसको दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर 5 और ऊपर 4 और नीचे 5, 3 की पावर 1। ये हमारे पास इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है, क्या है हमारे पास, 3 की 5 और 5 एक
को प्राइम नंबर का सेट बनेगा। ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर से वन कम है, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, वो वन बचेगा। और इनटू में थ्री बाई फाइव हमारे पास है, थ्री बाई थ्री वन जा थ्री और थ्री बाई फाइव, जो हमारे पास थ्री है वो फाइव से स्मॉल भी है और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, थ्री। तो ऐसे सोल्व करके भी हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट देखने को ना मिले तो ऐसे सोल्व करके हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। आगे है दोस्तों हमारे पास ट्रिक नंबर टू यूज होगी जिसमें, और वो सम देखो क्या है, फोर की पावर डिवाइड बाय 17, ये है हमारे पास। यहां दोस्तों देखो जो हमारे पास 17 है, यहां पी माइनस वन लिख हम नहीं सकते क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक ट्रिक है हमारे पास। वो ट्रिक क्या है, एन प्लस माइनस वन यहां कोई नंबर है, एनी नंबर, और डिवाइड बाय एन, एन प्लस माइनस वन डिवाइड बाय एन, इस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों एन प्लस वन, इसमें से दो ट्रिक हमारे पास निकलती हैं, एन प्लस वन डिवाइड बाय एन यहां कोई नंबर, और एन माइनस वन डिवाइड बाय एन और यहां एन, यहां कोई भी नंबर हो सकता है दोस्तों, एनी नंबर, यहां जरूरी नहीं है वो एन ही हो, कोई भी नंबर यहां हो सकता है। अब इस ट्रिक में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो ये ट्रिक यहां अप्लाई कैसे होगी, इसको हम फोर फोर जा सिक्सटीन लिख सकते हैं। अगर इसको हम फोर फोर जा सिक्सटीन लिखें तो फोर की पावर टू, इसको टू से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारे पास क्या आया, सेवन। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे फोर को हम टू से डिवाइड करते हैं तो इसको हम टू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सेम आएगा, तो ऐसे ही 16 की पावर 1003 हम लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने, अब हम क्या करेंगे, यहां हमारे पास फोर फोर जा 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस वन, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस वन, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से ये वाली ट्रिक अप्लाई होगी, n माइनस वन की पावर कोई भी नंबर डिवाइड में n। अब इस ट्रिक को दोस्तों हम अप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। अगर हम n की n 3 ले लें, 3 माइनस वन डिवाइड बाय 3 और इसकी पावर कुछ भी लें, जैसे अगर हम 4 ले लें, ठीक है दोस्तों, वन टू थ्री फोर सभी लेके देखेंगे, देखो हमारे पास वन है, थ्री माइनस वन टू और टू की पावर वन टू डिवाइड बाई, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, टू बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, टू। यहां क्या है, एन माइनस वन डिवाइड बाई एन, और यहां भी हमारे पास क्या है, एन माइनस वन डिवाइड बाय एन। अगर हम टू की पावर यहां टू लेते हैं और डिवाइड में थ्री, तो 4 बाय 3, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1। अगर हम 2 की पावर 3 ले लेते हैं और डिवाइड बाय 3, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 2, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 2। ऐसे ही अगर हम 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 ले लेते हैं, तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 3, 5 जा 15, 1, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ऐसे ही अगर हम 2 की पावर 5 लेते हैं तो 16 टू जा 32, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 2। तो दोस्तों यहां से क्या देखा हमने कि जो हमारे पास n माइनस 1 है उसकी पावर, अगर हमारे पास एक ओड नंबर है तो रिमाइंडर 2 आता है, ओड नंबर है तो रिमाइंडर 2 आता है, ओड नंबर है तो रिमाइंडर 2 आता है, अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर 1 आता है। अगर इवन नंबर पावर है, यहां भी इवन नंबर है रिमाइंडर 1, यहां भी इवन नंबर है रिमाइंडर 1। अगर इसकी पावर क्या मिला दोस्तों, यहां से एन माइनस वन की पावर, अगर एक इवन नंबर है और डिवाइड में एन है
तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, वन। वो हमेशा क्या आएगा, वन। अगर हमारे पास n माइनस वन की पावर कोई ओड नंबर है और रिमाइंडर डिवाइड में n है, n माइनस वन की पावर ओड नंबर है और डिवाइड में n है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, जो हमारे पास यहां नंबर होगा वो n। क्या बचेगा रिमाइंडर हमेशा, n माइनस वन। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस वन, क्योंकि n हमारे पास क्या है, थ्री है। तो अगर इवन नंबर है पावर में तो रिमाइंडर हमेशा वन आएगा, अगर पावर में ओड नंबर है तो रिमाइंडर हमेशा n माइनस वन आएगा। तो यहां हमारे पास दोस्तों देखो, जो पावर में है वो हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर है, क्योंकि वन 0032 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 02468 आता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ओड नंबर है, और n माइनस वन की पावर में अगर ओड नंबर हो, डिवाइड में n हो, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो n ही आता है, n माइनस वन आता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 16 आएगा, क्योंकि n माइनस वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है यहाँ, तो हर बार 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ 16 आएगा, n माइनस 1 आएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ से याद क्या रखना है, क्या तरीका है हमारे पास, अगर n माइनस वन की पावर इवन है और डिवाइड में n है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। अगर हमारे पास n माइनस वन की पावर ओड है और डिवाइड में n ही है, तो रिमाइंडर हमेशा n माइनस वन आएगा, रिमाइंडर हमेशा n माइनस वन आएगा। तो ऐसे दोस्तों ये सम्स हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ इसका आंसर है जो वो हमारे पास 16 आया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, 2 की पावर 33 और डिवाइड में हमारे पास है 9। अब देखो दोस्तों, जो हमारे पास 2 की पावर 33 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 11, क्योंकि 11 3 क्या हो जाएगा, 33। अब डिवाइड में 9, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। 8 की पावर 11 और डिवाइड में 9, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 1 11 डिवाइड में 9। और हमने अभी क्या किया है कि जो हमारे पास n माइनस 1 की पावर ओड होती है और डिवाइड में हमारे पास क्या आता है, n आता है। अगर n माइनस 1 की पावर हमारे पास ओड है और डिवाइड में हमारे पास n आता है, तो पावर हमारे पास क्या होगी, वो n माइनस वन होगी। n माइनस वन हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास क्या होगी, n माइनस वन होगी। तो यहां से रिमाइंडर बचेगा जो वो क्या आएगा, 8। क्या कहा दोस्तों मैंने, अगर n माइनस वन की पावर एक इवन नंबर है और डिवाइड में n है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। अगर n माइनस वन की पावर ओड है, डिवाइड में n है, तो रिमाइंडर हमारे पास n माइनस वन आता है, और n माइनस वन हमारे पास 8 है, तो रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन की पावर है हमारे पास 110। अब n प्लस वन या n माइनस वन बनाने के लिए यहाँ हमें 49 चाहिए, 7 की पावर 2 कर देते हैं और इसको हम 55, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 55, और डिवाइड में 48 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 की पावर 55 और डिवाइड में 48। 49 को क्या लिख सकते हैं हम, n प्लस वन, 55 और डिवाइड में 48। अब दोस्तों यहाँ हमने n माइनस वन के लिए देखा, n प्लस वन के लिए हमारे पास क्या होता है, अभी सॉल्व किया था हमने n प्लस वन के लिए। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, अभी करके देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ 2 प्लस वन यानी 3 है, ठीक है दोस्तों।
अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, वन आएगा। तो हमारे पास अगर n प्लस वन है, डिवाइड में n है, पावर कुछ भी हो, तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, वन बचेगा। क्योंकि अगर हम इसकी पावर टू भी ले लेते हैं तो हमारे पास थ्री थ्री जा नाइन होएगा और रिमाइंडर फिर भी क्या आएगा, वन आएगा। तो इसकी पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, अगर n प्लस वन वाला केस है तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो हमने लास्ट ट्रिक सीखी वो क्या क्या है, अगर हमारे पास n माइनस वन की पावर ओड है, डिवाइड में n है, रिमाइंडर हमेशा n माइनस वन आएगा। अगर हमारे पास n माइनस वन की पावर इवन है, डिवाइड में n है, तो रिमाइंडर हमेशा वन आएगा। ऐसे ही दोस्तों n प्लस वन के केस में है हमारे पास, यहाँ कोई भी नंबर है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, रिमाइंडर हमेशा वन आएगा। तो दोस्तों आज हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिटेल में डिस्कस की, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम में आप इन ट्रिक को इस्तेमाल करके इसके क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।